नमस्कार बच्चों, आज हम व्याकरण पुस्तक से अध्याय 7 वचन के विषय में चर्चा करेंगे। बेटा, वचन किसे कहते हैं ये जानने से पहले इस चित्र को ध्यान से देखिए। दिए गए चित्र में एक लड़का बैठा है, एक लड़की कुछ सोच रही है, वह एक चिड़िया डाली पर बैठी है। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्दों से उनके एक होने का पता चलता है। दो लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, चार लड़कियां खेल रही हैं व दो चिड़ियां दाना चुग रही हैं। बेटा, इन वाक्यों में आए रंगीन शब्दों से हमें उनके एक से अधिक होने का पता चलता है। ये सभी रंगीन शब्द हमें प्राणियों या वस्तुओं की संख्या का बोध करा रहे हैं। अतः कहा जा सकता है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, एकवचन। नंबर दो, बहुवचन। नंबर एक, एकवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एकवचन कहते हैं। जैसे जूता, मेज, पुस्तक आदि। नंबर दो, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे जूते, मेजें, पुस्तकें आदि। ध्यान रखने योग्य बातें। सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक जी कक्षा में आएंगे। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई की मात्रा लगी होती है उनका बहुवचन बनाते समय वो या में बदल जाती है। जैसे नदी, नदियां, रोटी, रोटियां, दवाई, दवाइयां आदि। पुल्लिंग शब्दों में आ की मात्रा के स्थान पर ए की मात्रा जोड़कर बहुवचन शब्द बनाया जाता है। जैसे पौधा, पौधे, तबला, तबले, पत्ता, पत्ते आदि। तो बेटा, आज हमने क्या क्या सीखा आओ दोहराएं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या अर्थात उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, एकवचन। नंबर दो, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एकवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से
उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। बेटा आज का गृहकार, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर एक, वचन किसे कहते हैं। नंबर दो, एक वचन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। नंबर तीन, बहुवचन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। धन्यवाद।